हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का जो वीडियो है थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं वृंदावन। यहाँ से राइट जाना था, गाड़ी भी आ सकती ऊपर से। हाँ, तो वृंदावन जाने वाले हैं यार। और टाइम ऑलरेडी 12 हो चुका है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। 3 घंटे का टाइमिंग दिखा रहा है यहाँ से, और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अभी अच्छी एडिट चला रहा है, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ पीछे से। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं यार यमुना एक्सप्रेस नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के ऊपर, और चलते हैं। अब तो बड़ी स्पीड से जाना है, पेट्रोल होना भरा ही दिया यार, 600 का भरा है अभी पेट्रोल। कुछ इसमें पहले से था, 1-2-3 लीटर पहले से होगा, और 600 का अभी डलवा तो ऑलमोस्ट 6.5 लीटर के आसपास आया होगा। उतना पेट्रोल हमारे पास अभी आ गया है, देखते हैं जितना खत्म होगा बीच में से, क्योंकि रास्ते में पेट्रोल पड़ने वाला है। वैसे एक यमुना एक्सप्रेस वे पेट्रोल पंप पड़ता तो है जी वर्ष पहले, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना था, इसलिए हमने पहले ही अपना सारा सेट करा लिया मामला। देखते हैं क्या होगा बाकी। फ्रेंड, अभी हमने लिया है एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि लग रहा है गाड़ी में डर टाइप का हो गया ना, तो ब्रेक लिया यार। काफी चल गए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे 4 मिनट का टाइम और दिखा रहा है, और इस हिसाब से तो हम 3 बजे पहुंचेंगे। अभी स्पीड में जा रहे थे, हमें लगा काफी पहुंच गया हूँ। सुने, किस हिसाब से बोल रहे हो, 2 घंटे कितने किलोमीटर के हिसाब से? तो फ्रेंड्स, अभी यार हमको दिखा रहा है वृंदावन के दिखा रहा है 104 किलोमीटर, और दिखा रहा है टाइमिंग 2 आवर्स 4 मिनट। और यार अगर हम इस हिसाब से चलते हैं, 100 की स्पीड से चलते हैं, तो हम पहुँच जाएंगे 1 घंटे में। नहीं तो क्योंकि 1 घंटे मेरे ख्याल से मथुरा तक तो एक्सप्रेस वे चले जाएंगे, उसके बाद हमको उतरना पड़ेगा। तो हमें करीब करीब कितना टाइम लग जाएगा, 1.5 घंटे के आसपास लग जाएगा यार, अगर हम अच्छी स्पीड से चले 1.5 घंटे के मथुरा में होंगे। और बहुत एक्साइटेड है यार मथुरा के, मथुरा वृंदावन दोनों चीजें यार, बहुत टाइम नहीं होगा मेरा, तो चलिए देखते हैं जैसा भी रहेगा। सो और हमने इतना सब सफर किया कि मेरे ख्याल से 1 घंटे और 15 मिनट के अंदर अभी जल्दी पहुंच गए हम देवर। ऐसे तो गया हूँ, लेकिन बाइक से कभी
भी नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है कितनी दूर है। और जो गूगल मैप के आप पढ़ने के लिए हमने रिकॉर्डिंग करी पब्लिक जाना होगा 90 किलोमीटर शॉर्ट होंगे, और देखते हैं आपको 100 की स्पीड से होना है आई थिंक 1 आवर, देखते हैं क्या होता है। मथुरा जाने के मथुरा का कटवा है क्योंकि हम वहाँ से कट जाएंगे, तो आपको जहाँ जाना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पेट्रोल कटवा सकते हैं। और 2 व्हीलर का 135 रुपये पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा, लेकिन रोड भी काफ़ी अच्छा है यार। अगर आप उसी तरह से अगर दूसरे रोड पर जाएंगे तो वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और यहाँ से आप बहुत जल्दी भी पहुँच जाते हैं। चलिए अभी हम निकल चुके हैं अलीगढ़ से आगे, और अभी दिखा रहा है कहीं 49 किलोमीटर और 1 आवर दिखा रहा है, लेकिन हम 25 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। तो जिस अकॉर्डिंग गाड़ी चल रही है ना पहले हुई, और भाई जो आप 2 घंटे दिखा रहा था लेकिन हम वो काफ़ी अब 1 घंटे दिखा रहा, आधे घंटे के बाद ही, क्योंकि गाड़ी चल रही है 107 की स्पीड से। मेरे को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है पीछे बैठा हुआ, लेकिन ठीक है यार चला रहा है, सही है, थोड़ा हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और आज वीडियो बता कर जाने वाला ना है यार, वो तो आज के किलोमीटर से 2 आवर्स आज की वीडियो बताते हैं, बहुत जल्दी चलते हैं यार, आपको भी दर्शन करते हैं भागे बिहारी को। तो फ्रेंड्स यार हम पहुंच चुके हैं पागल बाबा के मंदिर, और मैंने पता किया यार इनको पागल बाबा क्यों कहते हैं, तो कहते हैं ठाकुर जी के प्यारे पागल हो गए थे इसलिए इनका पागल बाबा का मंदिर पागल बाबा कहते हैं इसलिए इनको। और ये इनका मंदिर है, मंदिर तो काफ़ी बड़ा लग रहा है यार, खूबसूरत भी है। था 1008 लीलानंद ठाकुर पागल बाबा जी, लीलानंद ठाकुर इनका नाम था जो पागल हुए थे, इनका समाधि स्थल, और ये रहा इनका मंदिर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, हे पागल बाबा हमारे घर पर आपकी कृपा बनी रहे, जय राधे श्याम, मेरे परिवार के सभी दुख समस्याओं का अंत है, सुख हमारी मौत पूरी हो जाए, जो बच्चे पोस्ट पर लग जाए। बाबा यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सभी बहुत सारे लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी मन्नतें मांगी हुई लिखी हुई हैं यहाँ पे, ये पागल बाबा पापा का गुस्सा पागल नाना जी। मेरे पैरों पर खुद हो जाए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा आस्था के साथ लोगों ने यहाँ पर अपनी मुरादें लिखी हुई हैं, ये पागल बाबा मेरा एक छोटा सा घर बन जाए, मतलब दिस इज मतलब मेरे को लगता बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा के साथ दिखावा है लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे। ये पागल बाबा मेरी जल्दी से पुलिस में जॉब लग जाए, मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा श्रद्धाओं के साथ लोगों ने लिखे हुए, यहाँ पूरी दीवार भरी हुई है, आप भी आए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी मुराद भी जल्दी पूरी होगी, मेरे पति का गुस्सा कम हो जाए और हमारी भी सुने, ये तो बहुत मुश्किल काम है यार। ये पागल बाबा मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, मेरे को जल्दी से बेबी हो जाए 11 साल, और हम दोनों जिंदगी भर एक साथ रहें,
यहाँ पर बहुत सारे मुराद लिखी हुई हैं, आप भी आगे अपनी मुराद लिख सकते हैं, मुराद अवश्य पूरी होगी। ये सब देख कर लग रहा है बाबा हमारे खुद का घर हो। दोस्तों ये हैं पागल बाबा का फोटो और यहाँ पे रामधुन गाई जा रही है। बंदरों का पता नहीं होता ना, कहीं कहीं के भड़क जाते हैं, कहीं कहीं के नहीं भड़कते। कुछ मत करना उसे। एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए 72 घंटे 72 जहरीले सांपों के साथ 72 घंटे बिताए। तो पहले से क्यों लगाया भाई पीटी मैंने यार। आयो भैया माला फूल ले लो। बहुत तगड़ी भीड़। फाइनली ढूंढते ढूंढते हम पहुंच चुके हैं बाबा निमकरौली आश्रम वृंदावन में। चलिए अब कुंतल दिखाते हैं। सो फ्रेंड हम आ चुके हैं माँ के बिहारी टेम्पल और साथ में निमकरौली बाबा से बाहर, और अब देखते हैं क्या होता है। कितनी सारी गायें हैं। एक गाय आ गई देख फ्रेंड से, देखिए गाय आ गई है, भाग गई। इसी में जाएगा ना बेटा, इसी में जाएगा ना बेटा, रोनी ले जाए इसको राजीव गांधी के बाहर से। अभी इसमें ये सौगर है क्या, ये सही फीलिंग है ना जब गड्ढे में जाती होगी, मतलब मस्त चलता है। सो फ्रेंड्स राधे राधे, अब जा रहे हैं यार वापसी, अपनी वीडियो करते हैं लगभग यहीं पे एंड, और फिर बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ, एक नई लोकेशन के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।